पूरे प्रदेश सहित कोरबा जिले में वन कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कोसाबाड़ी स्थित वन मंडल कार्यालय के पास हड़ताल शुरू कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोरबा और कटघोरा वन मंडल के करीब 600 से अधिक कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वन कर्मियों का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था, लेकिन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। यही वजह है कि उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा है। वन कर्मियों के हड़ताल में वन मंडल कोरबा के करीब 300 कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड से लेकर डिप्टी रेंजर रैंक तक के कर्मचारी शामिल हैं। वन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से जंगल की सुरक्षा खतरे में आ गई है। गर्मी बढ़ने के कारण वैसे भी दावानल का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर जंगल में आग लगती है तो उसे कौन बुझाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। हमारा छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ रायपुर के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर हम लोग जिला शाखा कोरबा के लगभग 300 कर्मचारी इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी कुल 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारा 30-50 का जो वेतनमान निर्धारण है वनरक्षक का 2003 से जो किया गया है उसका आज तक पालन नहीं किया जा रहा है, जिस संबंध में सभी कर्मचारियों से वसूली भी किया जा रहा है, उस वसूली को तत्काल बंद किया जाना है तो ये हड़ताल रखा गया है। हमारा वेतनमान का जो वेतन विसंगति है उसे भी हमारे कार्य के अनुरूप हमारा न्याय संगत वेतन वेतन निर्धारित करने का हड़ताल किया जा रहा है और कुल और 12 मांगे हैं। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है पिछले आज दिनांक से 21 तारीख से, और पिछले 16 तारीख को हमारे शीर्षस्थ जो अपने वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमारा प्रांतीय निकाय का चर्चा हुआ था, किंतु सार्थक निर्णय नहीं निकल पाया, जिस वजह से हमें हड़ताल पे विवश होकर आना पड़ा। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।